नंबर 10 देखिए, 10 में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले का आकार का है, अर्ध गोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। ठीक है, बेलन अर्धारोपित है, अर्ध गोले का व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या यहाँ जैसे कि चित्र में दिखाया गया 7 हो जा रहा है, तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। कुल ऊंचाई 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 6 हो जाएगी ना, ये 7 घटा लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन की जो त्रिज्या है आर जो होगा वो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, काट दिए इसको। चलिए और क्या दिया है, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको टोटल में से घटा देना होगा 7 को ना। तो टोटल ऊंचाई कितनी है, तो टोटल ऊंचाई क्वेश्चन में आपके दिया है 13, और घटा देंगे 7 को, तो 13 में से 7 गया कितना जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, तो अर्ध गोले की त्रिज्या, तो अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, तो अर्ध गोले की भी त्रिज्या वही है यानी 7 सेंटीमीटर। चलिए इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए आंतरिक पृष्ठ नहीं कह रहा है ये, इसमें पूछ रहा है इसका। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ मतलब इसकी क्या पूछ रहा है, ये बेलन वाले भाग का। तो पहले में आपको निकालना है, पहले में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh यानी 2 × 22/7, और r का मान दिया है क्वेश्चन में 7 और ऊंचाई दिया हुआ है 6, तो 7 से 7 कर दीजिए, 22 × 44, 44 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 264, 264 आ रहा है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, अब आपको क्या निकालना है, तो फिर कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दूसरा निकालना है बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो है बेलन आकार का है तो 2πRh प्लस ये जो अर्धगोला के आकार का है, तो अर्धगोला का होता है 2πR² यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2πR, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। चलिए अब देखिए 2 × 22/7 और r का मान दिया है 7, h का मान यहाँ पे कितना है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 6 और त्रिज्या दिया हुआ है 7, 7 से 7 काट दीजिए, 22 × 44 और 6 और 7 कितना होता है, तो 13 होता है, इसमें गुना कर दीजिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर